चाहती है। सुरेंजुम की बातें नहीं करनी? नहीं, आज सुरैया के बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हें अभी जिंदगी ने झटका नहीं दिया। झटका तो तुमने दिया उसे, पर अभी वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपने नसीब से लड़ने के अलावा और क्या कर रहे हैं? ये गोगी नामी चीज को तुम पसंद करती हो? हाँ, गोगी बिल्कुल मेरे जैसे ही है, निकम्मा, नलायक, जाहिल। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी। मेरी? लेकिन क्यों? जब भी बैठे, बैक स्ट्रेट एंड चिन अप। और एक बात और, अगर किसी चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है तो गुफ्तगू को जारी रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर है भी तो भी नहीं। याद रखिए, devil is in the detail. या वो तो I know साले चक्कर क्या? आपने कभी मोहब्बत टाइप की है कोई चीज के? नहीं, मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हूँ मैं। हाँ, ये थीसिस है, कुछ दिनों से रखा हुआ था, मैंने सोचा कि जरा देख लूँ। लेकिन नहीं, फिर देख लूंगा। आओ बैठो। गोगी से बात हुई? हाँ, इस वक्त ट्यूशन का वक्त है उसके, मतलब क्लास का। तो इस वक्त क्या, उसने मुझे कल से कोई मैसेज ही नहीं किया। हालांकि वैसे एक दिन में वो कोई 10,000 मुझे टेक्स्ट करता है और 50,000 व्हाट्सएप कर देता है, लेकिन अब शायद तमीज सीख गया हो। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो, फरवा तुम यू क्यों नहीं करती कि अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लिया करो? मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा तो क्या बात करें? ये जो सुरैया अंजुम है, इनका बताएं, इनका जो आप बार बार जिक्र करते रहते हैं, इनका बताएं ये वाकई एग्जिस्ट करती है या मतलब सच्ची मुच्ची है? सुरैया अंजुम, शक्ल देखी अपनी? तू बड़ा मेरे चाचे का बेटा लगता है जो मैं तुझे बताऊं कि मैंने मोहब्बत की है कि नहीं। पुराना टूथब्रश ना हो तो। तुमने पानी नहीं पिया। अगर पानी के एक ग्लास से मेरी प्यास बुझ जाती ना तो मुझे यहाँ तक नहीं आना पड़ता।
बदतमीज से जरा मोहब्बत की है कि नहीं, शक्ल देखी अपनी, तू बड़ा मेरे चाचे का बेटा लगता जो मैं तुझे बताऊं कि मैंने मोहब्बत की है कि नहीं, पुराना टूथब्रश ना हो तो। अंदर से तो मैंने कहा फिर आप भी मेरे जैसी ही निकली हैं। वो आपने मुझसे सवाल ही ऐसा पूछ लिया था। ओहो, अच्छा रिलैक्स हो, देखो मैडम जी, अब चूंकि आप अंदर से मेरे जैसी ही हो तो यार मुझे यहाँ पे क्यों बांदर बना के रखा हुआ, मतलब वो देखें जी, मुझे तो जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है मैं वही कर रही हूँ। यार अपनी ईमानदारी से बताओ, मतलब किस चीज की कमी है, जरा गौर से देखो, स्किन मेरी ठीक है, गोरी चिट्टी, खाता पीता, सेहतमंद इंसान हूँ, खूबसूरत हूँ यार, एक मोहब्बत के पीछे बांदर बन के बैठा हूँ, ये तो जाती ना यार मेरे साथ, और ऊपर से बाहर मुझे वो कुमार सानू का चाहने वाला दिया हुआ तनवीर, अल्लाह जाने कहां से उसके गाने ढूंढ ढूंढ के लाता, तोरा बोरा की कारों से सुन सुन के अपने कान भी पकाए हुए, मुसीबत ने मेरे भी, ऊपर से यार आप भी। मैं मुसीबत हूं? नहीं मतलब देखो मुसीबत इतनी खूबसूरत तो होती नहीं। अच्छा वो बताया नहीं आपने, फर्ज करो यार आप फरवा की जगह पे होते तो यार आप इसी तरह मुझे बांदर बनाते, मतलब इसी तरह तवा लगाते मेरा, बात तो नहीं हुई यार। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि गुफ्तगू को जारी रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेजबान की जिम्मेदारी है। सुरैया अंजुम। सर बाहर एक खातून आई है, अपना नाम सुरैया अंजुम बताती है। है सुरैया अंजुम? सुरैया अंजुम, आप एक काम करें उन्हें ड्रिंक रूम में बिठाएं, कहीं किसर आ रहे हैं। जी बेहतर है। क्या पता ये वो सुरैया ना हो, कोई और हो। नहीं ये वही सुरैया अंजुम है, मैं जानता था वो आएगी, जरूर आएगी। सुनिए आप उनसे मिलेंगे? एक्सक्यूज मी, सर मुझे देख के हैरान हुए हो ना? हाँ बैठो सुरैया। उस रोज तुम आए इतने बरसों के बाद, तुमने कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल भी नहीं किया। बैठ जाओ। सिल्की के सामने क्या पूछता और तुम क्या बताते? सिल्की की नौकरी के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हें हमारा कितना ख्याल। हाँ मुझे तुम्हारा बारहा ख्याल आया इन गुजरे हुए बरसों में, लेकिन खैर छोड़ो।
पानी पानी मिल जाएगा? अरे क्यों, सॉरी मैं भूल गया, क्या पियोगी? कॉफी ठंडा क्या? कुछ नहीं, सिर्फ पानी, सादा पानी। सर दो ग्लास पानी ले आइएगा। जी सर। पूछोगे नहीं कि मैं इस हाल तक कैसे पहुंची? और तुम नहीं पूछोगी कि मैं तुम तक कैसे पहुंचा? बताओ। सिल्की मुझे नजर आई थी चंद रोज पहले सड़क पर किसी आदमी के साथ झगड़ते हुए, बिल्कुल वैसी है बचपन में जैसी थी। थोड़ी बड़ी हो गई है, मेकअप ज्यादा करती है। बदतमीज भी हो गई है बहुत ज्यादा। उसकी मजबूरी है। तुम सिल्की को देखकर आए थे? हाँ मुझे उससे काम था। छोड़ो सुरैया, अब किसी भी बात से क्या फर्क पड़ता है, बहुत वक्त बीत गया। बहुत वक्त बीत गया है लेकिन मैं लेकिन के फेरे से निकल आया हूं सुरैया। वो अमेरिका चला गया, उसने मुझे, वो तुम्हारी चॉइस था। तुमने शादी कर ली है? हाँ तुमने बताया था, मिलवाओगे नहीं? नहीं सुरैया, मैं नहीं चाहता कि उसको एहसास हो कि मैं उसका नहीं। कोई सुरैया अंजुम भी है। झूठ बोल रहे हो तुम, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुमने उसे ना बताया हो कि कोई सुरैया अंजुम भी है। लेकिन अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो अमेरिका में है लेकिन तुम उसकी बीवी हो और मेरी अपनी जिंदगी है। बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी अपनी जिंदगियां गुजारते रहें? तुमने पानी नहीं पिया। अगर पानी के एक ग्लास से मेरी प्यास बुझ जाती ना तो मुझे यहां तक नहीं आना पड़ता। चलती आज मैं मुस्तान सर के घर गई थी, तुम्हारी डायरी से पता लेकर। वैसे तो हर वक्त सुरैया सुरैया करते रहते हैं और आज तो इतने गुमसुम थे कि पूछो ही मत। यार इनकी शादी ना करा दें? अरे हाँ यार, ये तो बेस्ट आइडिया है। एनीवे डॉक्टर इज ब्यूटीफुल, कीप द हैप्पी लविंग। कुछ और हो ना हो, टाइम बड़ा अच्छा पास हो रहा है। अच्छा मैडम जी अंदर से हैं मेरे जैसी। ओ भाई अब इनसे चक्कर ना चला लेना। पागल हो गया, इतना बेकारियत समझा हुआ यार। फरवा ने वैसे भी सर खोल देना मेरा। अच्छा तो फिर ये टाइम पास करने की बात क्यों कर रहा है यार? अब टाइम भी तो पास करना था। बस कल तक का था ड्रामा, आज भूल गए सारी तमीज। नहीं ये देख, ऐसी बात नहीं है, तेरा भाई डिसेंट आदमी है। अच्छा छोड़, ये बता फरवा से बात हुई थी?
फोन कर तो रहा हूँ, उठा नहीं रही, काट रही है। शाम में चक्कर लगाऊंगा। यार सर भी होंगे वहाँ, वहाँ जाना मुनासिब होगा उनकी मौजूदगी में। हाँ तो मैंने कौन सा बम रखने जाना वहाँ पे यार, क्या हो गया? सर ने मना किया कि घर से बाहर नहीं मिलना, जो भी मिलना मिलाना है घर में मिलाना है। तो अब तू खुदा का वास्ता उल्टे सीधे मशवरे मत दे, सर को पता है सब कुछ। यार ये बंदा ठीक नहीं लगता है मुझे। हाँ तो मैंने कौन सा उससे कब्रें खुदवानी है यार, हमें क्या लगे? तो सारी बातें छोड़, तेरे भाई ने बच्चे की तस्वीरें खींच ली है चक्कर। तू ये सेब कहा और मैं ये तस्वीरें देखता हूँ। ओ तेरी। लाइट बंद करो। क्यों, अब क्या ये नया ड्रामा है, क्या हुआ है? मसला क्या है तुम्हारा? एक इतना सा तो काम है जिसके इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि शादी दफ्तर में ना एप्लीकेशन दे दूं कि अगर किसी को शादी से पहले तमीज सीखनी है ना तो वो राबता करे। मिस सोलत आरा, फोन नंबर फला फला फला। हो क्या किया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, नसीब है ये मेरा, रोने दो मुझे। तुम जाओ गुलछर्रे उड़ा। गुलछर्रे? दिन रात घड़ी घोड़ों की तरह कमा कमा कर लेकर आती हूँ मैं, तुम निकलो ना बाहर तो पता चलेगा तुम्हें। मुझे कौन काम देगा? लोगों को जवान लड़कियों से बात करने का शौक है तो मैं तो हद करती हो तुम भी बाजी। मुस्तनसर ने मुझे एक इतना सा काम के दिलवा दिया और बस। तुम कर सकती हो वो काम तो जाओ कर लो जाके, घर में बैठने किसको अच्छा नहीं लगता। सॉरी सर की, मुझे पता नहीं क्या हो गया, माफ कर दो मुझे। आज मैं मुस्तनसर के घर गई थी तुम्हारी डायरी से पता लेकर। फिर शायद बहुत वक्त गुजर गया, फोन क्यों नहीं पिक करते? यार पढ़ा था यार। अच्छा ये बताओ कि क्या सीखा? मादा सिर। I'm sorry, वो थोड़ा सा रूट हो गया। यार मुझसे नहीं यार ये सारी चीजें की जाती, बहुत बन बन के बातें करनी पड़ती, कसम से बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। यार परवाह है तो ये सारा स्यापा सर पे डाला हुआ यार, और क्या हो गया तुम्हें, तनख्वाह थोड़ी मिलती है मुझे। अरे हाँ एक बात बताओ, सर की जो गर्लफ्रेंड है ना सुरैया अंजुम, वो आई थी आज। ओ शाब, मेरा मतलब है कि सर की गर्लफ्रेंड? हाँ मैंने खुद उन्हें जाते हुए देखा था। हाँ तो तुमने सर से पूछा नहीं? नहीं, वैसे तो हर वक्त सुरैया सुरैया करते रहते हैं और आज तो इतने गुमसुम थे कि पूछो ही मत। यार इनकी शादी ना करा दें, कसम से। देखो एक तो एहसान का बदला उतर जाएगा, दूसरा का सर की खुराक अच्छी होगी तो दोनों मियां भाई भी सारी जिंदगी खुश भी रहेंगे, नहीं? अरे हाँ यार ये तो बेस्ट आइडिया है। यार एक काम करते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं उनके घर का पता चलाता हूँ ठीक है, और बात करता हूँ उनसे जाके कि क्या सीन क्या है। तुम एक काम करो, तुम ये सर का जहन बनाओ जरा सारे मामले में, हैं? बड़ा मजा आएगा। हाँ सही सही सही, बड़ा मजा आएगा। ठीक है मैं करती हूँ बात। ओके बाय। करे बातें चांदनी रातें, चांदनी रातें। जहांगीर साहब, जहांगीर साहब मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो मेरे प्यारे, कौन सा SMS करना तुमने? वो जो आपका कुक है ना, वो मुझे कुछ पकाने नहीं देता, अब आप बताएं मैं क्या करूं? कैसा ना शुक्र आदमी है तू,
एक तो तुझे बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही, ऊपर से तू कह रहा है कोई काम, तूने क्या कर लेना है यार? बात तनख्वाह की नहीं है जी, काम की है। मुझे काम करने की आदत है, ये फारिग बैठने की आदत नहीं है मुझे। तो खड़ा हो जाया करो इसमें, प्यारे तेरे लिए काम आया है अपनी पसंद की, जो तेरा दिल करे वैसी चाय बनाई, साथ केक पीस बिस्किट, और बात सुन जिस कलर के मैडम ने कपड़े पहने हो उस कलर का फ्रेश जूस जरूर लेकर आना तूने, है निकल 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 निकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वाह वाह। आज हमारे पहले सेशन का लास्ट डे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओ शहजादी जहांगीर साहब, मेरा मतलब है कि प्रिंसेस, गुड न्यूज, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा था। आप आए ना, तशरीफ रखें, आए आए। पहले मेरी माँ मेरी मसरूफियत से नाला रहती थी, अब यही गिला मुझसे मेरे बेटे। आओ 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 परवा। सर आपने मुझे सुरैया से मिलवाया नहीं ना? मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम सईद साहब के यहाँ हो आओ। नहीं, बेवकूफी मत करो, आगे जो कुछ करना है उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा और सुरैया का जिक्र करना होगा। क्या मतलब? देखो फरवा, तुम्हें वहां जाके रोना है और उनको बावर कराना है कि मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई थी जो कि झूठ नहीं है, और अब वो दोबारा आ गई है ना। आपकी जिंदगी में पहले से कोई था ना? देखा, मुझे पता था। सर वैसे वो बहुत खूबसूरत हैं। सीरियसली सर, यू टू वुड मेक अ परफेक्ट कपल सर। शुक्र है तुमने कोई जुमला मुकम्मल अंग्रेजी में तो दुरुस्त बोला। अभी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। यूं करो कि तुम चेंज करके आओ। ओहो, अरे तुम्हारे पास तो इन जोड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आप जाएंगे मिसेस शॉपिंग पे? अब वो पता भी, एक एक चीज लेने के मैं कितना टाइम लगाती हूँ। ये वक्त तुम्हारे लिए ही तो है, मेरा मतलब है छुट्टी ली हुई है, जाया हो रहा है तो होने दो। चलो ठीक है, आ जाओ। आप लोगों ने इतना डिग्रेड कर दिया मुझे उनके सामने, कि मंगनी शुदा लड़की मंगनी से भाग गई और फिर उसके घर में उसके कुक से ही उसका अफेयर चल गया। वाह वाह, ये जो सर है ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। सच कह रहा है, और नाम है सुरैया। मां रो रही होंगी और पापा कह रहे होंगे आए काश आसमा होती सब कुछ ठीक कर देती। वो परेशान है और तुम खुश हो? ये कैसे मुमकिन है कि वो फरवा को छोड़ के एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ले? एक बात मैं जानती हूँ सईद साहब, फरवा उस घर में खुश नहीं है। ATV, सारे रंग हमारे।